यहाँ के मेजर इश्यूज जो है उनमें जो पानी की समस्या है सबसे बड़ी समस्या है, और ये पानी की समस्या के वजह से यहाँ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और आप देखेंगे कि 70% से अधिक पॉपुलेशन या तो एग्रीकल्चर या फिर अलाइड एक्टिविटीज से जुड़ी हुई है, और पानी की समस्या होने से ये दोनों एक्टिविटी अफेक्ट होती हैं। और इस अफेक्ट के कारण लोगों का जो लाइवलीहुड है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है। इस इश्यू के अलावा यहाँ पे डिसेबिलिटी का अगर रेशो देखेंगे वो भी ज्यादा है, सभी प्रकार की डिसेबिलिटी है। और अगर देखेंगे डिसेबल लोगों के लिए स्किल ट्रेनिंग या फिर उनका जो एक एजुकेशन होता है वो दोनों ही काफी प्रभावित हुए हैं इस जिले में। और इसके अलावा अगर हम दूसरी समस्याओं को लेकर बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, तो वुमेन एम्पावरमेंट का जो फिगर है वो भी काफी डाउन है। हालांकि एसएचजीएस बने हैं, डिस्ट्रिक्ट में काम भी हो रहा है, और यहाँ की गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है कोऑर्डिनेशन से एनजीओ के साथ, लेकिन सब काम करने के बावजूद भी उसका फिगर बहुत कम है। कर्ज में जो ब्याज की दर है आज भी बहुत ज्यादा है। अगर गांव का एक साधारण व्यक्ति ब्याज से पैसा लेना चाहता, उसका ब्याज का दर इतना होता है कि उसको वापस करते करते वो कई बरस निकल जाते हैं, पैसा वापस नहीं हो पाता। रोजगार नहीं है, बच्चों के लिए न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, महिला के खुद के लिए न्यूट्रिशियस फूड नहीं है। एक मुद्दा है यूथ का, यहाँ के यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट ना के समान है, क्योंकि जो यूथ है यूथ एजुकेटेड नहीं है। गांव में एजुकेशन का स्टेटस क्या मिलेगा यूथ का, 8वीं कर ली 10वीं कर ली मजदूरी करने लगी, में भी उसकी अगर हम क्वालिफिकेशन को लें 10वीं जनरली 10वीं फेल बहुत यूथ है।